दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्रों में जंगलों और घासनियों में आगजनी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को चुनबी चाड़ना के घने जंगल में 5 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है। शनिवार को भी तेज हवाओं के चलते आग पर काबू नहीं पाया गया। विभाग के कर्मचारी व दर्जन भर ग्रामीण आग को बुझाने जंगल की ओर निकले हैं, मगर आग पर काबू नहीं पा सके। आगजनी की घटनाओं से लोग काफी परेशान हो गए हैं। लोगों को वन संपदा की चिंता सता रही है। बता दें कि जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ज्यादातर आग की भेंट चढ़ गए हैं। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग सबसे बड़े जंगल चूड़धार तक पहुंच सकती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले लगातार 2-3 दिनों से हमारे दौराधार से हरिपुर धार के क्षेत्र में लगातार आगजनी हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और हमने प्रशासन को भी आगाह किया है, कई टोल फ्री नंबर पर कॉल किया है, और मतलब गांव के लोग भी है, इसको बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं धू धू करके ये जंगल जल रहे हैं। कल हमारी पंचायत के चुनरी गांव के पल्ली साइड भी आग लगी थी, और वहां के लोग जो है लगातार उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जंगल है। अगर ये आग यहाँ तक फैलती है तो ये पूरा जो है ये इसकी जो खूबसूरती है सब नष्ट हो जाएगी। और ये जो जंगल है नौराधार से हरिपुर धार तक, ये चूड़धार की तलहटी में बसा हुआ है और कई वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है। इसमें देवदार, बान, बुरास के बहुत खूबसूरत पेड़ है और घने पेड़ है। और आजकल क्या है कि हवा जो है पिछले एक हफ्ते से लगातार बहुत तेज चल रही है, और इसी वजह से जो है ये आग और भड़क रही है। सुनने में आ रहा है कि कुछ गद्दी लोग जो है परसों 2-3 दिन पहले यहाँ से निकले थे, और उन्होंने रात को जो है यहाँ ठंड होने की वजह से जो है थोड़ी आग जलाई थी और सुबह निकल गए, लेकिन उसी के इसमें जो है वो चिंगारी भड़क गई और उसने पूरा जंगल जो है चपेट में ले लिया है। दोस्तों, तो जैसा हम बताना चाह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये जो है वाइल्ड सेंचुरी में आता है, जीव वन्य अभ्यारण्य जीव के तहत ये जंगल आता है, और इसमें बहुत से जीव जंतु है। तो अगर ये आग फैलती है तो एक बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी और ये पूरे चूड़धार के जंगलों को चपेट में ले सकती है। तो मेरा आग्रह है, मैं अपने युवाओं के माध्यम से, अपने नौजवानों के माध्यम से, और अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र जितने भी लोग उनके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर शीघ्र यथाशीघ्र जो है इसमें कदम उठाए, चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चाहे इसमें केमिकल छिड़के, या जो भी संभव हो इसको जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके। मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।